नमस्कार दोस्तों, भारत के दोस्त श्रीलंका ने कहा कि चीन के विरोध के बावजूद वह अपने बंदरगाहों पर ईंधन फिर से भरने के लिए विदेशी अपतटीय अनुसंधान जहाजों को अनुमति देगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस तरह के जहाजों पर एक वर्ष के प्रतिबंध के बावजूद श्रीलंका ने यह फैसला लिया है। बीते दिनों जर्मनी के एक सर्वे जहाज उसके बंदरगाह पर ईंधन भरने के लिए रुका था, जिस पर चीन ने कड़ा विरोध जताया था। दरअसल चीन हिंद महासागर की जासूसी करने के लिए अक्सर अपनी जासूसी जहाजों को भेजता रहता है। पिछले दिनों श्रीलंका के मना करने पर मालदीव ने अपने यहाँ चीनी जासूसी जहाज को शरण दी थी। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया था। चीन लंबे समय से हिंद महासागर में जासूसी करने के लिए अपने अनुसंधान जहाजों को भेजा करता है। भारत और अमेरिका ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए श्रीलंका से इस पर ठोस कदम उठाने की मांग की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीलंका ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि वह विदेशी अनुसंधान जहाजों को ईंधन भरने के लिए अपने बंदरगाह का इस्तेमाल करने की अनुमति देगा। भारत द्वारा सुरक्षा चिंता जाहिर करने के बाद रोनिल सरकार ने पिछले साल अपतटीय अनुसंधान जहाजों पर एक साल का बैन लगा दिया था। श्रीलंकाई मीडिया के मुताबिक विदेशी जहाजों पर बैन अनुसंधान उद्देश्यों को रोकने के लिए, न कि ईंधन फिर से भरने के लिए है। श्रीलंका ने फरवरी में चीनी अनुसंधान जहाज को कोलंबो में रुकने से मना कर दिया था। बीजिंग ने इसके लिए श्रीलंकाई सरकार से आग्रह भी किया था, जिसे ठुकरा दिया गया था। माना जाता है कि चीन ने यह विरोध इसलिए जाहिर किया था क्योंकि भारत और अमेरिका के अनुरोध पर श्रीलंका ने चीनी जासूसी जहाज को किनारा किया था। आपका इस मुद्दे पे क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे क्लिक इंडिया। धन्यवाद।